हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एम्बर वॉन्ड। सत श्री अकाल, सारियानो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आप वैसे देख चुके हो, मैसेजेस फ्रॉम मदर आइसिस। मदर आइसिस के ऊपर मैंने आई गेस ना 1 मंथ पहले भी एक पर्टिकुलर रीडिंग में उनका वो टॉपिक लिया था, तो क्योंकि कल 11/11 का भी पोर्टल था और उस दिन मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्हाटएवर इट इज़ ब्लेसिंग्स कह लो, कनेक्शन कह लो, तो कल भी रहा है, तो मैंने सोचा आज इस पे जो है रीडिंग कर दी जाए। आ गया प्लान। और हम जो दूसरा वो कर रहे हैं ना, वो ग्वानिंग गॉडेस हैं उनका। बोथ आर मदर्स, बोथ आर एपिटोम ऑफ कंपैशन, मर्सी, करुणा, हीलिंग, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, मिस्टिक पावर्स। ठीक है जी, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप चाहो तो दोनों भी देख सकते हो रीडिंग को, क्योंकि दोनों ही लग्न गॉडेस के ऊपर हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम उनके डिवाइन मर्सी को, ब्लेसिंग्स को इन्वोक करते हैं ताकि हमें सही डायरेक्शन मिल सके। चलिए देखते हैं कार्ड को क्या करना है, हमने कौन से कार्ड यूज़ करें आज के लिए। ऑब्वियसली ओरेकल डेक्स तो यूज़ करने ही करने हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं मैं ओरेकल डेक यूज। ओके, क्वाइंस का मैसेज आया है सबसे पहले, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल भाई, क्वाइंस का सबसे फर्स्ट, और इसके साथ साथ लोटस का। लोटस जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, स्पिरिचुअल प्योरिटी को, और ये एम्प्रेस के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये जहाँ हाई प्रिस्टस की एनर्जी है तो ये यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। Abundance, prosperity into your life, pure purity, spiritual purity या pure तरीके से। Very nice। आप लोगों ना कुछ बुक रीड कीजिए, कहीं ना कहीं से नॉलेज लीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, समझिए, जानिए चीज़ों के बारे में कि आप कैसे इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस अबंडेंस को। और ये फिर से आ गया ये वाला कार्ड। तो गोल्ड है ना बेसिकली ये, तो हम जानते हैं मदर आइसिस जो है ना वो इजिप्टियन कल्चर की मदर हैं। बहुत ही अच्छे रिंग, गोल्ड बहुत आ रहा है भाई आपकी रीडिंग में। गोल्ड बहुत आ रहा है। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड ना लॉन्जेविटी को बताता है। लॉन्जेविटी मीन्स किसी चीज़ का क्या बोलते हैं उसको, उम्र को बताता है, लंबी उम्र को। कोई भी किसी भी चीज़ के साथ गॉडेस ऑफ फॉर्चून का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, बिलीव मी। ग्रुप 1 आपकी लाइफ में अबंडेंस जो अगर आएगी ना लॉन्ग टर्म तक के लिए आएगी। मे बी आप ऐसे लोग हो जो कि ना शॉर्ट टर्म चीज़ों में बिलीव नहीं रखते हो, हवा में बातें करने वाले नहीं हो आप। चाहिए तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, अदरवाइज नहीं। फिर दोनों ही चीज़ में चाहिए तो बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, प्योर चाहिए, अदरवाइज फेक नहीं चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर कुछ भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, तो वहाँ से आप वो आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म तक के लिए चलेगा, बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक होगा। थोड़ा सा बस रिचुअल कर लेना एक आधा, मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी, नज़र उतारने का, इविल आई कास्ट अवे करने का, वो कर लेना तो अच्छा रहेगा इन दोनों चीज़ों में, अगर आपको लगता है ये दोनों चीज़ें क्योंकि आपके लिए हैं। कॉइन्स, मटेरियल वेल्थ और रिंग, कहीं ना कहीं मैरिज कमिटमेंट या कुछ भी हो सकता है या आपका कुछ भी। और या सी सी सी, गोल्ड की एनर्जी काफ़ी है बेस वाली, उसमें इजिप्शियन वाइब्स भी बोल सकते हो। आपको आपके पास ना, अगर मैंने बोला ना कुछ रीड कीजिए, कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए जानने की, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास ही हैं, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं, और बहुत इजी है। समटाइम्स हमें लगता है नहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है, इतने साल से तो हम सफ़र कर रहे हैं अचानक से कैसे, क्योंकि कभी कभी ब्लॉकेज ना आपके ब्रेन में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती। वहाँ से हल्का सा आपने उसको निकाल दिया और जैसे फ्लो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। मुझे ये वाला ग्रुप जो है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, यू नो, टेक माय वर्ड्स, ये काफ़ी ब्लेस्ड लग रहा है। हालांकि हमने मदर आइसिस की यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, बट गॉडेस ऑफ फॉर्चून से ये वाला ग्रुप काफ़ी ब्लेस्ड लग रहा है मुझे।
और अगर सपोज आप नहीं है तो उनका कुछ भी रखो, कोई भी, जैसे ये है सपोज गोमती चक्र है उसको रख लो, या कोई भी उनका एक फोटो या फिर कुछ भी उनको अपने पास रखिए, पास रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी इसमें। आप लोगों का ना लकी टाइम टॉर्च, लकी टाइम भी स्टार्ट होगा। टॉर्च का कार्ड देखिए कितना ज़्यादा येलो कलर आया है आपकी रीडिंग में, आई लव येलो कलर। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है लाइफ में चीज़ें बंद थी ना, अगर आपके एक तो रास्ते खुलेंगे जैसे मैंने आपको पहले बोला है, क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, दिखाई देगा अंधेरे में भी दिखाई देगा टॉर्च का कार्ड, कहीं ना कहीं से गाइडेंस जरूर मिलेगी आपको, डिवाइन गाइडेंस जरूर मिल रही है कहीं ना कहीं से आपको, मुश्किल टाइम में भी आपको ना वो मिल जाएगा, उसके आंसर्स मिल जाएंगे या फिर रास्ता मिल जाएगा या फिर काफ़ी ब्यूटीफुल कार है ये वाला। और ये इस कार का कलर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी डार्क है, डार्क में ये फायर लैम्प जो है ये वर्क कर रहा है। हो सकता है जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, साइकिक हो, उनको उनके ओरिजिन का पता लगे कि, या फिर उस तरफ वो मूव करे कि व्हाट इज़ आर ओरिजिन। कुछ लोग है ना जानना चाहते हैं कि लाइक आई डोंट फील लाइक होम दिस और दैट, उनके सिम्टम्स या एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, है ना, तो हो सकता है उनको कुछ हिंट्स और क्लूज मिलेंगे, तो मिलेंगे जरूरी, फॉर श्योर है। यस डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक द स्नेक कार्ड, ट्रांजिशन तो आपका भी चल रहा है या चल रहा है या चला था। तीन तरह के लोग हो सकते हैं जिनका अभी ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचेगा, पहुँचने वाला है, नंबर वन। नंबर टू जिनका मिड में चल रहा है, दो। नंबर तीन वाला मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है, नहीं है, तो यहाँ पे दो ही ग्रुप हैं इधर में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो एक ना एंजल का भी एक कार्ड लिया जाए आपके लिए, पहले ही आ गया भाई। वाह, डिवाइन लव का कार्ड आया, देख लो, और वो भी मदर आइसिस का, जब आप रीडिंग कर रहे हो और डिवाइन लव का कार्ड आ जाए, सो हाँ, कंपल्शन कैल्साइट, आर यू इन लव, आर यू क्रेविंग हेल्थ एंड फीलिंग ऑफ वेल बींग। वाह, क्या आपको प्यार चाहिए, क्या आपको क्रेविंग हो रही है अच्छी हेल्थ की और आप अच्छे वेल बींग का, है ना। सो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हेवन और अर्थ को, स्वर्ग और धरती को एक जगह पर मिलाकर को अलाउ कीजिए एक जगह पर मिलाने का, मीन्स समझिए उस तरह से, जैसे मैंने बोला ना कोई आपको बुक रीड करनी है, जानना है इन चीज़ों के बारे में, व्हाई यू आर हेयर, व्हाट इज़ योर पाथ, आपका पाथ क्या है, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, ये जो दो कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं। या सी इट इज़ अ टाइम टू एक्नॉलेज द एसेंस ऑफ डिवाइन लव इन यू, इमेजिन योर सेल्फ इन द आर्म्स ऑफ डिवाइन मदर। वाव, खुद को इमेजिन कीजिए कि आप डिवाइन मदर के ब्यूटीफुल आर्म्स में हो, जैसे एक मदर अपने बच्चे को एम्ब्रेस करती है वैसे। ऑफकोर्स ये मदर आइसिस के मैसेजेस हैं आपके लिए। आर्कएंजल जोफियल का कार्ड है, आई एक्टिवेट एंड एम्ब्रेस डिवाइन लव। आप बिल्कुल उसी, देखिए मदर आइसिस की एक तो ब्लेसिंग्स को आप बिल्कुल प्रेयर करें, उनको उनकी ब्लेसिंग्स को और मर्सी को इन्वोक करें, शी इज़ विद यू, शी विल शो यू द पाथ, आपको रास्ता दिखाएंगी, गाइड करेंगी, साइंस सिम्टम्स वगैरह आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आप अगर इमोशनल होते हो तो आप इमोशनली खुद को बैलेंस फील करोगे, क्लियर फील करोगे और खुश फील करोगे। आप पहले से खुद को बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, वाइज और टॉलरेंट, चीज़ों को बर्दाश्त करने की पावर आपके अंदर आपको लगेगा और भी ज़्यादा है। द क्वालिटीज ऑफ ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये मदर आइसिस के हैं, अनकंडीशनल लव या मदर की मर्सी, अंडरस्टैंडिंग एमनेट फ्रॉम माय डिवाइन बींग, चीज़ें आपको नेचुरल तरीके से समझ आना, सबके लिए अनकंडीशनल लव फील करना सबके लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है ये। तो एक जो है हम ना लेते हैं और आपका ग्रुप नंबर वन, ब्लेसिंग्स मैसेजेस फ्रॉम मदर आइसिस, द फूल का कार्ड, अगेन येलो कलर। आप अपनी जर्नी वापस से शुरू कीजिए, फेथ रखिए यूनिवर्स के ऊपर, पूरी तरह से फेथ रखिए। आप जो सोच रहे हो पहले भी अगर नहीं है तो पहले कौन सा मिल गया है, है ना, बेटर है हम फेथ रखिए, अपनी जर्नी पर कंटिन्यू रहें। यू आर यू नो आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आपको कहीं कुछ नहीं होने दिया जाएगा, इस वाले ग्रुप के लिए बोला जा रहा है। आप बस बिना डर, बिना कुछ सोचे,
जर्नी अपनी स्टार्ट कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. दीज आर बेसिकली रिजल्ट्स, ये रिजल्ट है आपकी जर्नी के. ग्रुप नंबर वन, मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम, सी व्हाट आई टोल्ड यू, दिस ग्रुप इज मेंट टू बी विक्टोरियस. इस ग्रुप को ना सक्सेस मिलने ही मिलने हैं. इट डजंट मैटर व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, आप सक्सेसफुली इस ट्रांजिशन को कंप्लीट कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, नेम फेम देखोगे, प्योरिटी इस ग्रुप के लिए. आपके पास जो भी नॉलेज है ना वो प्योर है, फेक नहीं है, शो ऑफ नहीं है. यू विल बी लाइक अ लीडर, बेबी लीडर, यू नो, टीन एज फॉर्म में अपनी हो अपनी. ये ग्रुप काफ़ी ग्रो करेगा, इवन आगे जाके भी काफ़ी हद तक आप चीज़ें अचीव करोगे. बट आप ये नहीं सोचना काफ़ी है, नहीं, वो काफ़ी नहीं होगा. आप ये सोच लेना जितना आप जर्नी कर चुके हो ना, इसके आगे आपके लिए अभी बहुत कुछ है करना. वाह, ब्यूटिफुल. ग्रुप नंबर वन, डिवाइन मैसेजेस एंड फ्रॉम मदर आइसिस. ये आपका कार्ड आया है. हेल्थ का आपने अपने ध्यान रखना है, ठीक है. हेल्थ का आप अपने ध्यान रखना है. बीच बीच में हेल्थ जो है सफ़र कर सकती है. क्यों कर सकती है? या मेंटल हेल्थ भी सफ़र कर सकती है. हो सकता है पास्ट की जैसे चीज़ों को मिस कर रहे हो, थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं, बैगेजेस हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं फैमिली की तरफ से हैं या पर्सनल लाइफ की तरफ से हैं, तो वो चीज़ें भी रहेंगी. ऑफ कोर्स दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, इसलिए आपको बोला जा रहा है. बट आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाला जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा. जर्नी को शुरू करें, बहुत ज़्यादा नहीं सोचें आप अपनी लाइफ में, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से कंप्लीट करें. हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, अपने आप गिर गया ये. अच्छा, ठीक है. हाई प्रिस्टेस जो है ना, मदर आइसिस जो है ना, वो हाई टैरो में ना हाई प्रिस्टेस को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं. क्यों? क्योंकि ऑकल्ट मिस्टीरियस नॉलेज, मिस्टिसिज्म, पावर्स का एपिटोम है वो. जो इनके पास पावर्स है ना, वो किसी के पास भी नहीं है. तो ऑफकोर्स मदर आइसिस की जो एनर्जीज हैं वो आपके पास है. हो सकता है आपकी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं. ये चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करना है. ऑफकोर्स आप अपने सही रास्ते की तरफ ही कम बैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है. आप आएंगे वहाँ पे ही वापस जहाँ पे आपकी सोल चाहती है. सोल चाहती है, आप रास्ता वही चुनेंगे जो आपकी सोल चाहती है जिस चीज़ को, और आप उसके लिए एक्शंस भी लेंगे. कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा. चीज़ों को जितना नेचुरल तरीके से लोगे, एक्सेप्ट करोगे, उसके ऊपर कुछ करना नहीं है. ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों दिख रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये है वो है. आप कॉन्शियसली जितना सोचते हो उतना चीज़ें डिले होती हैं और प्रॉब्लम होती है, लेट हो जाता है, है ना. सो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये मैं चीज़ आपको बोल चुकी हूँ, एक्शंस लीजिए. ये कार्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है यहाँ पे. आपको ये बोला जा रहा है भी क्लैरिटी मिलेगी आपको आने वाले कुछ टाइम में. आपको आने वाले टाइम में कुछ क्लैरिटी मिलेगी. अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कुछ एनर्जी से डील कर रहे हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे ये वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, जगल कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप परेशान हो, डील नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है जी, विन विन करोगे आप. हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं हुई हैं लाइफ में, क्या. तो अपना पॉजिटिव रहें, आउटलुक अपना पॉजिटिव रखें. ठीक है, टाइम कहीं कुछ नहीं गया है, है ना. ये फिर से कार्ड फोल हुआ है. ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ है आपको, आपके पास निकल कर आगे पढ़ना है. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपकी लाइफ से निकलेंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही क्वाइन का है. यहाँ पे भी आप जगल डील कर रहे हो, इन जाएंगे आपकी लाइफ से. फाइनेंशियल अगर कुछ डिफिकल्टीज हैं लाइफ में तो वो जाएंगे. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और उसके बाद है आपका यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, है ना. तो पेज ऑफ वॉन्ड्स तक का तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स. आपका ये वाला कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इलेवन को बताता है. और ये चाहे ये टू का कार्ड है, बट ये इलेवन को रिप्रेजेंट करता है, दो डिफरेंट एनर्जीज को. और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेम, उसके नीचे ही बिल्कुल आया है इलेवन का कार्ड, बोलते हैं इसको. सो प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टेन ऑफ. यस यस, अगेन पेंटिकल्स, अगेन येलो कलर की एनर्जी, फाइनेंसिस की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, लव की एनर्जी. अगर ये ग्रुप जो है ना सिंगल हो, अगर आप लोग अलोन हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, तो
आप लोगों का एनर्जी सक्सेशन काफ़ी होगा, किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है और आपकी खुद की एनर्जीज के साथ भी हो सकता है, और डेफिनेटली अलाइंड होंगी एनर्जीज, ठीक है। और यही चीज़ है ना, शायद आपको बार बार परेशान कर रही है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, होगा कि नहीं होगा, क्या पोटेंशियल्स हैं। काफ़ी ज़्यादा ही पोटेंशियल्स हैं। अगर आप मटेरियल मैरिज की भी बात कर रहे हो तो बहुत पोटेंशियल्स हैं, आगे काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ अगर आप एनर्जीज की भी बात कर रहे हो ना, तो आप ये बोल लो कि आप यहाँ पे 2 मंथ्स में, 40 डेज से या 6 वीक्स से, आप 2 मंथ्स के अंदर जो है ना ह्यूज शिफ्ट देखोगे। ऑफकोर्स दिसंबर का भी मंथ है और यहाँ पे डेविल का कार्ड जो है ना ये वाला, ये क्योंकि पहले भी आना चाहता था और जो वैसे मैंने ऐसे ही पिक किया तो डेविल का आया है, और डेविल के बाद जो है यहाँ पे कुछ और आना नहीं चाहता है। या आपको चीज़ें जो हैं सामने आगे क्लियर हो जाएंगी, आगे आने वाले टाइम में होना क्या है, ठीक है जी। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैसेजेस काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव हैं आपके लिए, मैसेजेस काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव। आज आप अगर देखोगे ना, काफ़ी सारे लोग अपने एनर्जीज को थोड़ा सा सैडनेस फील करेंगे, थोड़ा डाउन फील करेंगे, लगेगा लाइक यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ। ये एनर्जी नेचुरल रहेगी रीडिंग में या वैसे भी आपके साथ आज, तो इसको ज़्यादा उसमें नहीं लें, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गो विद द फ्लो। कार्स एनर्जी बहुत अच्छी आई है, बट आई नो कि हम इसको उस तरह से बहुत ही एक्साइटेड होकर नहीं बोल पाए। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, जैसे कि मैंने आपको बोला है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ पेंटिकल्स का है। न्यू क्लैरिटी, विक्ट्री, न्यू अपॉर्चुनिटी, होम, मैरिज, प्रपोजल, कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं पे शिफ्ट होना या कुछ ना कुछ कहीं पे लेना करना, वो ज़रूर आप उस चीज़ को ना अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। जो भी अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, वो अचीव आप डेफिनेटली करेंगे आप अपनी लाइफ में। आप एकदम सही उसमें हो, यू नो, एक जो होता है ना करेक्ट पाथ पर हो, सही जर्नी में जा रहे हो। ये पाथ एक्चुअली होता ही ऐसा है, ऊपर नीचे इतना जाता है, इतनी सारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, पता नहीं क्या क्या रहता है, ये सब ऐसा ही चलता है, बिलीव मी दिस पाथ। सो एटलीस्ट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, राइट पाथ, ऑल राइट। सो ग्रुप नंबर 1, ये थे मदर आइसिस के मैसेजेस आपके लिए। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं ग्वान यिन जो गॉडेस हैं उनके मैसेजेस, देखते हैं गाइडेंस से मैसेजेस क्या होंगे। ऑल राइट, सो हैव अ नाइस ब्यूटिफुल वंडरफुल डे अहेड। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्वान यिन गॉडेस के मैसेजेस में इंटरेस्टेड हैं, चलिए करते हैं आपके रीडिंग को स्टार्ट। बोला जाता है शी इज़ एपिटोम ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी है वो एपिटोम का, क्योंकि हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। उनका बोला जाता है कि वो वैसे जो अतिलोकेश्वरा जो कि डिवाइन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैं, उनके कंपैशन से, उनके टीयर्स से, उनके आंसू से वो उनका बर्थ हुआ था। उनका नेम कुछ और था, ये बाद में ग्वान यिन उन्हें नेम जो है बाद में मिला है। वो अपनी लाइफ को किसी भी मोमेंट पे किसी के लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। प्योरिटी जो लेवल था, इवन हेल में किसी रीज़न की वजह से वो गए थे, वहाँ पे भी उनको उन्होंने पैराडाइज में कन्वर्ट कर दिया था, तो उनको भी उनको वापस भेज दिया गया कि आपको हम अर्थ में एक प्लेस दे रहे हैं जो कि हेवन जैसा है, अर्थ वाले तो आपको समझेंगे नहीं, तो आप वहाँ पर जाकर रहो। उनका आज भी वहाँ पर टेम्पल है, ठीक है जी। आप चाहो तो स्टोरी को वैसे भी रीड कहीं पर भी देख सकते हो, तो ब्यूटीफुल स्टोरी। सो क्योंकि कल तिब्बतियन वाइब्स, तो क्योंकि कल लाइक 11/11 का पोर्टल था, सो मैंने भी अपने उसके साथ मदर आइसिस का और ग्वान यिन जो है उनका यू नो स्टार्ट किया, हीलिंग लिया था। सो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। स्नेक का कार्ड है और बियर का कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पे 2 एनिमल्स की वाइब्रेशंस आई हैं, सो नेचुरल एनर्जी रिलेटेड विद एनिमल्स और योर चक्रास, एक्सेशन होगा भी इस वाले ग्रुप का, काफ़ी ज़बरदस्त। उनकी जो लोग भी थोड़ा सा लाइक कुंडलिनी में भी अगर आप बिलीव करते हो, चक्रास में भी अगर आप बिलीव करते हो, तो किसी भी चीज़ में आपको ना आपकी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको मैसेजेस वगैरह दिए जाएंगे। इतने स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स लेकर बैठे हुए हो आप अपने, आपकी स्पिरिट एनिमल्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेयर की एनर्जी हाई अथॉरिटी, हाई पावर, और ऊपर से स्नेक कोई पंगा तो लेकर देखे शो। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई रियली क्लेम दिस रीडिंग। देखते हैं आगे क्या आता है, और काफ़ी वार्म एनर्जी आने वाले टाइम में, कुछ साइन सिम्टम्स देखने वाले हो अपने बॉडी में, एनर्जी शिफ्ट होते हुए, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख सकते हो, कुछ विविड ड्रीम्स देख सकते हो, चक्रास एनर्जीज में अपने बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस वगैरह फील कर सकते हो। सो ऑल इज़ नेचुरल, डोंट वरी अबाउट इट। एंसेस्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आप लोगों के। एक और कार्ड चाहिए हमें इस वाले ग्रुप के लिए, मैसेजेस फॉर ग्वान यिन गॉडेस।
शेडो, शेडो की एनर्जी, ये पहले आया था, मैंने इसको देखा, मुझे लगा कि नहीं शायद मे बी। खैर, शेडो का कार्ड क्या है यहाँ पे, यही चीज़ बोली जा रही है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो खुद की अगर नेगेटिविटी है उससे भी बाहर निकलना है, हमें कैसे निकलना है, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है, हायर अथॉरिटीज़ को सुनना है, हायर अथॉरिटीज़ के थोड़ा सा उसमें रहना है, लाइक आपके एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, योर एंसेस्टर्स, योर हायर अथॉरिटीज़ या योर स्पिरिट एनिमल विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस शेडो एनर्जी, जिसकी वजह से काम जो है वापस, चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ये आप खुद भी हो सकते हो या आपकी लाइफ में कोई शेडो एनर्जी भी हो सकती है, ग्रुप नंबर टू, क्योंकि यहाँ पे स्नेक का कार्ड है जो कि आपके हिडन एनिमीज या फिर नेगेटिव चीज़ों को भी बताता है आपकी लाइफ में कि हाँ है, ठीक है, उसका अफेक्ट है, उस चीज़ को भी बताता है यहाँ पे। और अब कार्ड जो है थोड़ा सा क्या होना शुरू हो रहे हैं इनकी एनर्जीज, या वेरी, ओह सी एप्पल एंड दिस ट्री का कार्ड, ये इस ग्रुप की लीनियज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लीनियज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वाले ग्रुप की। बॉटम ऑफ द डेक कुछ आया ही नहीं है, क्लोज कर दिया उसने, मैं खुद देखने वाली हूँ, हम आपको नहीं दिखाएंगे, पता है ऐसे ही कार्ड हो गए ये सारे, ठीक है ग्रेट। यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, एक तो है आपका, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके रूट से कनेक्टेड है, रूट से कनेक्टेड है, आपके एनर्जी से कनेक्टेड है, आपके लाइफ पाथ से कनेक्टेड है, आपके ओरिजिन से कनेक्टेड है। आपको भाई अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ना अपने एंसेस्ट्रल लीनेज को भी हील करना है आपको यहाँ पे, और आप जो भी हो आप अपने एंसेस्ट्रल लीनेज का ही फल हो, यस फल, रिवार्ड हो, आपके पास जो कुछ भी है ये उनसे ही आया है। और ये जो शेडो को है ना, इसको थोड़ा सा साइड ही रखें आप, अगर ये शेडो एनर्जी बीच में रहेगी ना तो ये चीज़ें तो कैसे मैनिफेस्ट होंगी, ये कैसे दिखेंगी आपको, आपको ऐसे ट्री की तरह बनना है जो कि सबको शेड देता है, फ्रूट देता है, और आप साथ साथ में जितना ये ट्री ऊपर है उतना ही ये नीचे है, इतना ही स्ट्रोंग है। तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि खुद को हम्बल रखना है, ग्राउंडेड रखना है, ठीक है जी, नेगेटिव चीज़ों को, थॉट्स को, इन सब चीज़ों को रिलीज करते रहना है आपको। और अगर मेहनत कर रहे हो, जो चीज़ें आपको मिलनी है, डेस्टाइंड है कुछ मिलने की, वो आपको मिलेंगे ही, वो आपको मिलेंगे ही। वेरी नाइस। सो ग्रुप नंबर टू देखते हैं आपका, कि ना एंजल, एंजल का कार्ड भी आपके लिए लेकर देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। कार्ड्स बहुत आना चाहते हैं, वाई कार्ड्स बहुत आना चाहते हैं इस ग्रुप के लिए, ना इससे ये ध्यान आया, हाँ सही है, एक्चुअली दो कार्ड आ गए आपके लिए, ठीक है। ग्रीन टर्मोलाइन, यहाँ पे भी ग्रीन और यहाँ पे रेड जेस्पर आया, सही है। आर्क एंजल एरियल और राफेल, पहले तो हम राफेल के पास ही चलेंगे ना, ऑफ कोर्स आपको पता है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हीलिंग की जरूरत है इस वाले कार्ड को, मैंने जैसे पहले भी बोला, रिलीज करना है नेगेटिविटी को आपको, आपके अंदर से रिलीज करना है, ठीक है जी। नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे दो तरह के लोग बैठे हुए हैं आपकी लाइफ में आने में, एक वो जो कि एक्चुअल में वाइज सोल है, ओल्ड सोल है, समझ है जिनको, और एक वो जो कि दिखने में तो होंगे ऐसे पर जब मुंह खोलेंगे तो सारी सच्चाई बाहर आएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किनको चूज करोगे, शेडो में होना तो ये मतलब वही सी कैटेगरी के लोग ही आएंगे, तो उनको है ना करना है। और ग्रीन टर्मोलाइन का यहाँ पे कार्ड आया है, रीड करते हैं आर्कएंजल राफेल। आप हेल्दी हो, होल हो, कंप्लीट हो, बिल्कुल हो, आप हेल्दी हो, हेल्थ के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना है, हेल्थ वैसे अच्छा रहेगा बट थोड़ा सा अप डाउन अगर होगा भी तो टेक इट एज पार्ट ऑफ यू नो प्रोसेस। और डेफिनेटली ग्रीन कलर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो आप अगर ऐसा है। माई बॉडी नेचुरली रीजनरेट्स एंड हील, माई एक्शन आर हार्ट सेंटर्ड, जो भी देखिए चीज़ें लें, काम करें वो अपने दिल से करें। आई अलाउ लव इन माई लाइफ, अब लव को अपने लाइफ में अलाउ करें, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो अपने आइडियाज़ को, कर सकते हो, लव को अट्रैक्ट करें, लक को, वेल्थ को और सक्सेस को कर पाओगे आप।
ग्रीन कलर हम जानते हैं अबेंडेंस का कलर होता है और हीलिंग का कलर होता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको लाइफ में वैसे अनलिमिटेड सप्लाई दी गई है, पर आपको क्या आप अपनी लाइफ में लॉयल फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हो या कोवर्कर्स को? ये सही टाइम है इन चीज़ों को पहचानने का, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने का और आपके अंदर जो पोटेंशियल्स हैं उनको पहचानने का। आप डिसाइड करो कि आप अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है। जाने अनजाने में आप बेकार गलत लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, फिर बाद में ताता थैया, मीन्स वो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इन गार्बेज है ना, अंदर गार्बेज है, गार्बेज ही बाहर आएगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है जी, फिर सेकेंड कार्ड, तो बेटर है कि हम इस ग्रीन एनर्जी को, हेल्दी एनर्जी को चूज़ करें, थोड़ा सा केयरफुल रहें। रेड टाइगर साइन, आपको लाइफ में कुछ मोटिवेशन चाहिए क्या? आपका दिमाग इधर उधर घूमता है, फोकस्ड नहीं रहता है, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप अपने पैशन को पहचानिए, ठीक है जी, क्योंकि जब आप किसी पैशनेट एनर्जीज के रिलेटेड काम करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। वही काम करिए जो आपको करना पसंद है, तो प्रोस्पैरिटी आपकी होगी। प्रोस्पैरिटी, दिस प्रोस्पैरिटी जिसका आप वेट करें, आर्कएंजल एरियल, आपके पास करेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपना वर्ल्ड क्रिएट करने का, आपके लिए बहुत ईजी है एक्शंस लेना और लाइफ में आगे बढ़ना जॉय और एंथुजियाज्म के साथ। बहुत बार ऐसा होगा जब हमारी लाइफ में ये शैडो सेल्फ आता है ना, किसी भी पर्सन के रूप में या खुद का, तो ना हमारा काम करने का मन नहीं करता, लेजी फील करते हैं, करना चाहते हैं होता नहीं है, ठीक है जी। आपने खुद को ग्राउंडेड रखना है। मैं बार बार आपको यहाँ पे चीज़ बोलूँगी, रेड टाइगर्स आई बोला है, बट मुझे ये पता नहीं क्यों रेड जैस्पर लगा। रेड जैस्पर का यूज़ कर सकते हो, ग्राउंडिंग अच्छे से करें, इसलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है, ताकि अगर नेगेटिविटी कोई हो तो वो रिलीज़ होती रहे, चाहे वो बाहर की है, अंदर की है, कुछ भी है, ठीक है। लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे एक से एक, जो कि आपको ओवर स्मार्टनेस में लगेगा आपको, है ना। विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वाले ग्रुप का, तो अपने विजन के ऊपर खाली फोकस रखें, रदर आप चीज़ें डिले हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये है वो है, उस पर ज़्यादा नहीं करें, बिकॉज आपको जो है ना आपकी फैमिली लीनियत से भी आपको बेनिफिट होगा और आपके खुद के बैलेंस भी कर पाओगे आप अपनी लाइफ में, ठीक है। ब्यूटिफुल द फूल का कार, ये फर्स्ट उसमें भी आया है, बाकी सब कार ही डिफरेंट थे खैर। और फूल का कार, अगर देखिए आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं पे, अगर मैं वैसे बात करूँ तो, अगर मनी की प्रॉब्लम चल रही है ना आपकी लाइफ में, फाइनेंसिस की, मनी की, तो वो रिजॉल्व होगी ही होगी। आपकी लीनेज को हील करना है, कि कुछ ना कुछ शेडो किया गया है वहाँ पे, कुछ ना कुछ किया गया है जिसको आपको हील करना है। और रेफेल का कार्ड आया, आप नेचुरल हीलर भी हो सकते हो, सबकॉन्शियस वे से भी आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हो, खुद को लाइक हील कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को भी। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप वापस से इस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को निकालना है, एम्ब्रेस करना है कि आप ये चीज़ें डिजर्व करते हो अपने लाइफ में। दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को, प्रोस्पैरिटी को, अबंडेंस को, काफ़ी हाई लेवल में बैलेंस को अपने घर में और अपने बिजनेस में, परिवार में, वट एवर इट इज़। प्रॉब्लम क्या है ना, वही चीज़ है, हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं चीज़ों से, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो मूव ऑन जब नहीं कर पाते हैं, हीलिंग जब करके वहीं तो चीज़ें, तो फिर वहीं की वहीं स्टक रह जाएंगी ना। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है, जब आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो अब अपने प्रॉपर उसके साथ, क्यों? क्योंकि आप स्टक हो यहीं पे, वो निकलना है। निकल कैसे सकते हो? हीलिंग करके, ग्राउंडिंग करके। सब मैसेजेस वैसे ही रीडिंग ना थी तो वो काफ़ी लॉन्ग जा रही है। दो कार्ड आए हैं, एक एक करके लेंगे मैं, और भी फिर से वही कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। विद इन वन वीक जो है काफ़ी सारे, या टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है जी। फिर से दो कार्ड, आपके दो कार्ड क्यों आ रहे हैं? आप अपना पर्सनल लाइफ को लेकर भी, लाइक समथिंग हैपन इन योर पर्सनल लाइफ। हाँ, स्टार का कार्ड, वेरी नाइस। देखिए इंट्यूशन अभी इस ग्रुप की बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, इंट्यूशन लेवल बंद है, इंट्यूशन काम नहीं कर रही है। अगर आपको लग रहा है काम कर रही है तो इतनी अच्छी नहीं कर रही है भाई, आपको लग रहा है आप देखना ही नहीं चाहते हो चीज़ों को, समझना नहीं चाहते हो चीज़ों को। समटाइम्स हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं प्रैक्टिकल हो जाओ लाइफ में, प्रैक्टिकल होकर करो चीज़ों को, पोटेंशियल्स काफ़ी हैं, होंगी भी चीज़ें। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़े, फिर से स्टार्ट करना पड़े, फिर से जर्नी बिगिन करनी पड़े तो करो,
स्पिरिचुअली आपके पास गिफ्ट है, बट आपको उसको यूज़ करना है, यूज़ करना आना चाहिए, यूटिलाइज करें इसको प्रॉपर वे में, विदाउट कीपिंग योर यू नो ईगो उस वेसल में रख के, ईगो को साइड करें और अपने स्पिरिचुअल, ये जो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे, इनका यूज़ करें। बिकॉज जिस चीज़ को आप अपने इंट्यूशन लेकर समझ रहे हो, एक्चुअल में आपकी इंट्यूशन है नहीं है, वो आपका ब्रेन है जो आपसे काम करवा रहा है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हम्बल वे से ही, क्योंकि इंट्यूशन हम्बल वे में काम करती है, ना कि ईगोइस्टिक वे में, ना कि मैं मुझे करके दिखाना है, मुझे ये चाहिए, वहाँ नहीं काम करती वो। उसका रिजल्ट भी फिर वैसा ही आएगा, 10%, 2%, 5%। तो बेटर है आप जितना हम्बल वे से उस चीज़ को करते हो, खुद को क्राउड से अलग करके, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतने ज़्यादा आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखोगे अपनी लाइफ में। आप जितना आपने सोचा भी नहीं है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर पाओगे। ग्रुप नंबर 2। तो रीडिंग मैं बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहती हूँ। आई होप दिस रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए। बाय बाय।